हेलो दोस्तों, प्रेमगिरी के सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का स्वागत है। आप सब प्रेमगिरी को इतना पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लौंडा जंक्शन के बारे में कुछ बातें जानेंगे और इसका ओवरव्यू करेंगे। लौंडा जंक्शन 1890 को ओपन हुआ और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन दिसंबर 2021 को पूरा हुआ। लौंडा जंक्शन एक डबल इलेक्ट्रिफाइड स्टेशन है। दोस्तों, लौंडा जंक्शन को साउथ वेस्टर्न रेलवे ऑपरेट करता है और इसका संचालन हुबली डिवीजन करता है। दोस्तों, लौंडा जंक्शन कर्नाटका में आता है और इस जंक्शन स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म हैं। दोस्तों, लौंडा जंक्शन गुंतकल वास्को लाइन का एक जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन बेलगावी मिरज होते हुए पुणे को जाती है और दूसरी लाइन कैसल रॉक कुल्लेम मडगांव होते हुए वास्को को जाती है। दोस्तों, यहाँ कई गाड़ियों का इंजन रिवर्स भी होता है, जैसे कि पूर्णा एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस। इस स्टेशन पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि रेलवे कैंटीन, वेटिंग एरियाज, वॉशरूम। दोस्तों, यहाँ से आप बेंगलोर, बेलगावी, मिरज, पुणे, मडगांव, वास्को, हुबली के लिए गाड़ियाँ बदल सकते हैं। दोस्तों, ये स्टेशन कर्नाटका के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जो ये स्टेशन आप वीडियो में देख रहे हैं ये लौंडा जंक्शन ही है। दोस्तों, इस स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज भी है जो सब प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करता है। दोस्तों, यहाँ रुकने वाली कुछ गाड़ियों के नाम हैं हरिप्रिया एक्सप्रेस, पूर्णा एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस, रानी चिन्मय एक्सप्रेस, दादर हुबली एक्सप्रेस। दोस्तों, ये जो गाड़ी आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी हुई देख रहे हैं ये पूर्णा एक्सप्रेस है। दोस्तों, एक और बात, ये स्टेशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेशन है। बारिश के मौसम में तो ये स्टेशन देखने वाला होता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर योर टाइम।